फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू अर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लास्ट 3 मंथ्स में आप कैसे प्रैक्टिस करें कि आप 550 स्कोर कर सकें, और कौन कौन सी बुक्स बेटर हैं सेल्फ स्टडिंग के लिए। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट काफ़ी यूजफुल आपके लिए साबित हो सकती है नीट की प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक स्ट्रेटजीज। सबसे पहले मेक अ चेकलिस्ट। आपको क्या करना है, एक चेकलिस्ट बनानी है अपनी कि आप कौन कौन से टॉपिक्स ढंग से जानते हैं और कौन कौन से नहीं जानते हैं, और फिर उन सिलेबस से आप क्रॉस चेक करते रहिए अपने आप को, और कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा था, क्या क्या आपको आता है, क्या नहीं आता है, उन सब की चेकलिस्ट बना के आप अपना रियलिटी आप अपनी चेक करें, और उसी बेसिस पर अपने मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करें और सारी प्रिपरेशन करें। मैं बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, आफ्टर 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, पहले आप इसे सुन लीजिए। सेकंड वन इज़ जर्नी प्लानर। जब आपको अपने बारे में पता चल जाए, जस्ट आफ्टर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ, गो टू द नेक्स्ट लेवल टू प्लान इन अ बेसिक वे इन एडवांस अबाउट योर कम्प्लीट जर्नी, और अपना देखिए कि सेम मैंने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, कितनी बाकी है। और ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो पॉइंट्स में नहीं आती कि कैसे पढ़ाई करनी है, कुछ ऐसी हैं जो आपको अपनी लाइफ में करनी है अगर आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना है। लाइक सेल्फ मोटिवेशन, नेक्स्ट पॉइंट वही है सेल्फ मोटिवेशन, मैं आपको बताता हूँ। तो आप अपना जर्नी प्लानर बनाइए कि कहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी, कितना मैंने कर लिया है, अभी मैं कितना कर सकता हूँ, कितनी स्ट्रेटजी मेरी बाकी है, 3 महीने मैंने इतने चैप्टर कर लिए तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कितने कर सकता हूँ, सारा कुछ आप बनाइए पेन और पेपर से, लिखें उसे। लिखना ज़रूरी है, खाली दिमाग में नहीं सोचना है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ मोटिवेशन। इन द रूट टू अचीविंग योर गोल्स टू माइट फेस मैनी हर्डल्स, बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एंड नेवर गिव अप टू एनी सच सिचुएशन। गेन पॉजिटिविटी बाई इंटरेक्टिंग विद पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल, आस्क क्वेरीज एंड क्लैरिफाई देम, मेक मिस्टेक्स एंड लर्न ऑन दोज। You have to stand by your own decision instead on depending on an outside force to motivate you. Self motivation is the best tool. ये चीज़ आपको, ये आपके पास पक्का ये चीज़ होनी चाहिए, यानी सेल्फ मोटिवेशन आपको बिल्कुल लाना है अपने पास, क्योंकि यही एक की है जिससे आप नीट अपना क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं, आपको डर लगता है, तो फिर आप नहीं कर सकते। आप पॉजिटिविटी गेन करिए, अच्छे एटीट्यूड वाले, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पीपल से मिलिए, गलती करें बट उससे कुछ सीखें, और अपना कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट पर रखें। और फिर आते हैं कुछ पॉइंट्स पर जो आपको करने हैं और जो आपको कॉपी और पेन से करने हैं। वो कुछ बातें थी जो आपको अपनी लाइफ में उतारनी है 3 मंथ्स में, अगर आपको नीट क्लियर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर द एग्जामिनेशन। सेकेंड वन इज़ प्रिपेयर अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉर योर स्टडी। ये आपको एकदम हार्ड से हार्ड टाइम टेबल बनाना है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, ऊपर उसकी लिंक आ रही है, उसे देख सकते हैं। वैसे हमने इन सारे पॉइंट्स पर, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ही वीडियो बनाई हुई है, आप चेक करें हमारा चैनल, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थर्ड वन इज़ फॉलो इट विदाउट फेल एंड दस इंक्रीज योर पोटेंशियल इन एवरी पासिंग डे। कंसिडर रेफरिंग टू अ गुड प्रिपरेशन बुक्स एंड स्टडी मटीरियल लाइक NCERT टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड सॉल्व लास्ट फ्यू ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। सिक्स्थ वन इज़ मेक मिस्टेक बट डू लर्न फ्रॉम दैम सो दैट यू वॉन्ट रिपीट इन फ्यूचर। नेवर लूज मोटिवेशन एंड नेवर गिव अप इवन इन द एट द टफेस्ट ऑफ टाइम। टेक रेस्ट एंड कीप योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री इन प्रिपेयरिंग द ह्यूज सिलेबस ऑफ द एग्जाम इन द गिवन टाइम। नाइन्थ वन इज डोंट इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक्स एट द एंड टाइम, रेदर रिवाइज द ओल्ड एंड रेलिवेंट वंस। तो गाइज, आपको ये डिसिप्लिन जो है ना, वो की है, इज द रूट टू योर सक्सेस। गेनिंग गुड स्कोर एंड क्रैकिंग नीट कैन ओनली पॉसिबल इफ़ यू स्ट्रेटेजाइज एंड मेंटेन हार्ड वर्क विद डिसिप्लिन। आपको हार्ड वर्क करना है, आप हार्ड वर्क वैसे करते ही हो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, बट करनी कैसे, डिसिप्लिन के साथ। अब मैं बताता हूँ बुक्स दैट यू मस्ट स्टार्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग नीट बाय सेल्फ स्टडी। तो ये जो सेल्फ स्टडी आप करते हैं लास्ट के 3 मंथ्स में, इसमें कौन कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी। NCERT टेक्स्ट बुक इज परफेक्ट फॉर सेल्फ स्टडी। फॉर MCQs रेफर टू MTG बुक्स। फॉर फिजिक्स रेफर टू HC वर्मा एंड बायोलॉजी रेफर टू ट्रूमैन। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए नीट में 550+ कर स्कोर करने के लिए लास्ट के 3 मंथ्स में। तो गाइस, ऐसी और ज़्यादा वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई हमारी न्यू वीडियो अपडेट आती है, कोई भी न्यूज़ आती है नीट से रिलेटेड, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।
मिलते ही नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।